लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के भाजपा विधायक अरविंद गिरी का अंतिम संस्कार उनके फार्म हाउस पर किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री ने अंतिम संस्कार में भाग लिया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अरविंद गिरी को समाधि में लीन किया गया। उनकी शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और रात से ही लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंच रहे थे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर अरविंद गिरी को गेरुआ वस्त्र पहनाकर मिट्टी के अंदर संतों की तरह समाधि में लीन क्यों किया गया। आपको बता दें कि अरविंद गिरी दशनामी गोस्वामी समाज से आते हैं, जिसमें गोस्वामी समाज में अंतिम संस्कार के समय अंतिम संस्कार को अंतिम समाधि की संख्या दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि पंचतत्व का यह शरीर अपने अंतिम समाधि में लीन हो गया है। इसके लिए बाकायदा जिस व्यक्ति की मौत होती है उसका सिर मुंडवाकर गेरुए वस्त्र पहनाकर गले में रुद्राक्ष की माला के साथ बिल्कुल संतों वाली अवस्था में समाधि के अंदर जलतुंबी टेक के साथ अंदर गड्ढे में शव को स्थापित किया जाता है और बाद में नमक और मिट्टी के साथ सबको दफन कर दिया जाता है। गोस्वामी समाज महंत अर्थात मठ और महंत संप्रदाय परंपरा से संबंध रखता है। यह शिव के उपासक और मठों के महंत और संतों की अंतिम संस्कार की चली आ रही परंपरा है। भले ही उसमें से कुछ लोग गृहस्थ हो गए हों, लेकिन आज भी अंतिम संस्कार में उनकी परंपरा संतों के समान निभाई जाती है। शव को समाधिस्थ कर उस पर एक छोटा चबूतरा बनाकर उस पर एक शिवलिंग भी स्थापित किया जाता है। बता दें कि अरविंद गिरी को लखनऊ जाते समय हृदयाघात हुआ था, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। आज सुबह जब उनकी शव यात्रा शुरू हुई तो अंतिम दर्शन को सारा शहर उमड़ पड़ा। सभी अपने चहेते नेता के दर्शन अंतिम बार करना चाहते थे। शव यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से हजारों लोग गोला पहुंच गए थे। शहर के ज्यादातर व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें दिवंगत नेता के सम्मान में बंद रखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर पोस्ट।